मैं जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई आपका दुकान नहीं चाहिए, आपके पास यदि 1000-2000 हैं तो इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकल चाहें तो उस पर घर पे स्टॉक बना करके और आप इसको सेल कर सकते हैं। और लोग, ये एकदम गारंटी है कि हर घर में यूज होने वाला है, कोई इसमें झूठ बात नहीं है। मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ। मैंने इस पे एक वीडियो पहले भी बनाया था, आप लोगों ने कम से कम 2-2.5 लाख लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि मैंने बिल्कुल सच कंटेंट दिया था, कहीं किसी से चोरी नहीं किया था और ना ही किसी का कंटेंट मैंने यूज किया था, ठीक है। और मेरे को देख करके काफ़ी लोग जो है इस पे टॉपिक पे वीडियोज़ बनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक जेन्युइन बिजनेस है और मैंने इसको क्रिएट किया। ये बहुत खुशी की बात है यार कि मैंने इसको प्रकट किया, ठीक है। ये कोई नहीं जानता था और इस तरीके से कोई नहीं करता था, ठीक है। तो आप भी यदि बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस धूप में आकर के, कभी बारिश के मौसम में आकर के हमें वीडियो शूट करना होता है, तो हमारा सिर्फ मेहनत का फल एक लाइक है, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, बताते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुशवाहा है और आप देख रहे हैं आरके टूल चैनल। जी हाँ, आरके टूल चैनल, ये चैनल आप लोगों का प्यार है कि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपको नॉर्मली पहले समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपका बिजनेस है और कैसे आपका चलेगा, क्यों लोग आपसे खरीदेंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और कहाँ से आप लाएंगे तो आपका जो है माल सबसे सस्ता मिलेगा, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का भी दुकान है, चाहे वो किराने का दुकान है या फिर पान की दुकान है, ए टू जेड कोई भी दुकान है, तो वहाँ पे हम जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम माचिस खरीदने ही वहाँ पे जाते हैं, माचिस जाते हैं खरीदने, तो हमें 1 रुपये का एक माचिस मिलता है या फिर 2 रुपये का एक माचिस मिलता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 2 रुपये का एक माचिस मिलता है और 1 रुपये का एक माचिस मिलता है। तो जैसे मैं अपने एग्जाम्पल के, मैं अपने एग्जाम्पल अपने यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कहूँगा तो शायद आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैं अपने आप को लेकर के फिर बात रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गया था, वहाँ पे जो है मैंने माचिस खरीदा 2 रुपये का, और उससे मैंने पूछा कि भाई ये तुम्हें कितना में मिला है। वो लड़का जो वहाँ पे बेच रहा था, एक वाली माचिस था, तो मैंने पूछा कि भाई ये तूने, मतलब तेरे को कितने पैसे में पड़ता है या फिर कितना बेनिफिट होता है एक माचिस पे? तो कह रहा है भैया मेरे को जो है 90 पैसे का एक माचिस पड़ता है और मुझे 10 पैसे या फिर कहीं कहीं जैसे और ज़्यादा कम मिल रहा था 15 पैसे तक मैं एक माचिस से कमा लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं पूछा कि तू लाता कहाँ से है, किस दुकान से जाकर के लाता है? तो वो बताया कि मेरे इस दुकान से यहाँ पे 5-10 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से जाकर के इस चीज़ को लाता हूँ। तो मैं वहाँ पे भी गया और जाकर के मैंने वही थोक में, मतलब थोक रेट से वहाँ पे मिलता था, होलसेल का दुकान था, तो मैं वहाँ पे भी जाके बात किया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप ये बताइए तो आप मेरे को इतना खरीदना है, कैसे देंगे, किस हिसाब से आप बेच रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, यदि आप थोक रेट में लेते हो तो आपका एक माचिस आपको 85 पैसे का एक माचिस पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कि सर आप कहाँ से लाते हैं? मैंने पूछा उनसे कि भाई आप कहाँ से लाते हैं? तो वो कह रहे हैं कि मैं इधर बहुत दूर 50 किलोमीटर दूर जो मतलब कि वहाँ से मैं लेकर आता हूँ, होलसेल का बहुत बड़ा दुकान है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं वहाँ पे भी गया और 50 किलोमीटर दूर जा करके मैंने वहाँ पे पता किया कि वहाँ पे क्या है कैसे है, तो वो डायरेक्ट कंपनी से मंगाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये भ्रमण कर चुका हूँ और इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। मैं ये अपने बारे में बताया क्योंकि इसमें क्या बेनिफिट है, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक इसको बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन में आपके गूगल अकाउंट है, सब कुछ है, आप गूगल में सर्च कीजिए जो भी आपका लोकेशन है, जहाँ पे भी आप रहते हैं, नियर बाई बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे इसकी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पे उत्पन्न होते हैं, या फिर इंडस्ट्री नहीं है तो मतलब होलसेल, मतलब ऐसा ऐसा मार्केट है जहाँ पे ये सिर्फ माचिस का ही प्रोडक्ट उत्पादन होता है, तो वहाँ पे आप गूगल में पहले सर्च कीजिए। मैंने उसमें भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, आगे नया क्या है मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो उसमें सर्च करके, ये नए लोगों के लिए है, जो लोग मतलब नहीं जानते उनको लिए मैं है कि ये सभी लोग जान जाएँ। गूगल में सर्च के लिए सिंपल आसान तरीका है, गूगल में सर्च करके उसमें फ़ोन नंबर भी होता है, आप उस पर कॉल कीजिए। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जहाँ से मैं हूँ यूपी में रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से फ़ोन किया था, तो ये कोई जगह है जहाँ पे वो बता रहे थे कि आपको जो है 340 रुपये में 600 पीस आपको मिलेगा एक वाली माचिस, जैसे मैंने फ़ोन पे बात किया था, ठीक है। तो 340 रुपये में 600 पीस मेरे को मिल रहा है, यानी कि करीब करीब आप देखेंगे तो 50-55 पैसे का एक माचिस जो है, एक वाली मेरे को मिल रहा है। ये ऐसा आपके साथ भी होगा, इसका रेट जो है ऊपर नीचे भी होता होगा, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, 5 पैसे इधर उधर होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, लॉकडाउन में शायद कम ज़्यादा होता जरूर होगा, ठीक है। तो एक माचिस 55 पैसे का आपको यदि खरीद पड़ रही है, तो आप ही मुझे बताइए कि अगर आप 55 पैसे में खरीद रहे हैं, वो भी आपके घर पर ला करके देंगे, घर पर ला करके, जहाँ भी आप एड्रेस देंगे वहाँ पर आपको ला करके देंगे, ठीक है। अगर नहीं कहीं जाना है तो सिंपल सा तरीका
यही है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए ये तरीका सबसे बेटर है। ठीक है, आप जो है इसको घर पे मंगवा लीजिए और मंगवा कर जितना चाहे मंगवा लीजिए, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, जितना पूंजी आपको लगाना है, जिस हिसाब से जिस लेवल पे करना है वैसे आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी आप छोटे से शुरू कीजिएगा, 2,000 बना मतलब कम बजट से शुरू कीजिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नुकसान नहीं है, ये 12 महीना चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि हर घर की ज़रूरत है। अब आप इसको सोच रहे होंगे चलो ये तो समझ आ गया, लेकिन मैं इसको बेचूंगा कैसे और क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा यार, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए, आप स्टॉक बना लीजिए 4,000 या 10,000 जो भी आप मतलब लगाते हैं उसमें स्टॉक बना के रख लीजिए। उसके बाद से यदि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल तरीका जो बता रहा हूं, जो आसान है और ज़्यादा बिक्री होगी और ज़्यादा पैसे भी आप कमाएंगे, किसी भी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे माचिस होता है, नहीं होता है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। सुबह शाम दोपहर मतलब एनी टाइम इसको लोग जलाते ही जलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं किसी भी दुकान पे, एक तो तरीका ये है। और एक चीज़ और कि 55 पैसे में आप खरीद रहे हैं और उसको आप जैसे 85 पैसे में लोग बता रहा था जो लड़का, तो आप उसको यदि 70 पैसे में 75 पैसे में देंगे तो क्या वो लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल आराम से लेगा, और लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको 10 पैसे वहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे उसको 10 पैसे और डिस्काउंट मिलेगा। और आप सस्ता तो तभी देंगे ना जब आप सस्ता वहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, मैं वो भी बड़ा शानदार है, बड़ा सोचने के बाद ये बता रहा हूँ आपको। आपके पास यदि सिर्फ माचिस ही माचिस हो, मतलब कि केवल माचिस ही माचिस हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ठेला रेडी बाइक जो भी है, आपने सिर्फ माचिस का ही इंस्टॉल लगा रखा है, और वहाँ पे सिर्फ मतलब कि उसी रेट में जो वहाँ पे दे रहे हैं उसी रेट में आप यहाँ पे भी दे, या फिर कि आपको नहीं करना कि किसी लड़के को खड़ा कर दिया, किसी ऐसे इंसान को जो मतलब कि कम पैसे में आपको मिल जाए, घर का कोई सदस्य है उसको भी आप रख सकते हैं और सिर्फ इंस्टॉल लगा देते हैं किसी मार्केट में, किसी मंडी में, किसी चौराहे पे, जहाँ पे सिर्फ माचिस का इंस्टॉल लगाओ। ठीक है, तो आप ही जरा कल्पना कीजिए कि क्या ये तरीका सही है कि नहीं है, आप मुझे बताइएगा। और दो तरीका मैंने आपको बताया, दोनों तरीका जेन्युइन है, काफ़ी लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। दोस्त यदि आप नए हैं, काफ़ी दिन के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यदि नए हैं तो आप सोचिए मत, ये माचिस का जो बिजनेस है ऑलरेडी चलने वाला है, हर घर की ज़रूरत है, कम पैसे से अच्छा मुनाफा इससे मैंने देखा नहीं है, हल्का का हल्का है, ना कोई भारी चीज़ उठाना है, ना कोई मतलब उतना टेंशनबाजी है। ठीक है, अगर आप बड़ा हो जाते हैं, बड़ा पैसे वाला हो जाते हैं, बड़ा आपकी जो कारोबार है बड़ा हो जाता है, तो आप इसकी फैक्ट्री से कांटेक्ट करके फैक्ट्री से पता कर लीजिएगा किस तरीके से खोलना होता है, क्या सी लाइसेंस, ये सब कुछ आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको उतना लाइसेंस की क्या जरूरत है, ना आपका माल बनाना है, ना मशीन खरीदना, आपको कुछ नहीं करना है, बना बनाया माल को ला करके सेल करना है, इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा क्रिएट किया हुआ है, और मैं कभी किसी को आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा जो ये बताया, पहला इंसान हूँ जिसपे 2.5 लाख व्यूज आए थे बहुत जल्दी, तो वो मैं इंसान हूँ। ठीक है, इतना प्यार देने के लिए दिल से प्रणाम है। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे 1 लाख बहुत जल्द पूरे करने हैं। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।